हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम संस्कृत मैम रेनू मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग 3, दशमह पाठक, मम परिवार, माय फैमिली। तो आज हम जानते हैं मेरे परिवार, इसमें क्या बताया गया है। ऐसे आप भी बता सकते हैं कि आपके परिवार में, जैसा यहाँ बताया गया है, आपके परिवार में कौन कौन है, कितने सदस्य हैं, ऐसा ही इस परिवार में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा एक लड़की है। प्रज्ञा और दिव्या का वार्तालाप है आपस में। प्रज्ञा पूछ रही दिव्या, तब परिवारे कति सदस्या सन्ति, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। दिव्या ने कहा, मम परिवारे पंच सदस्या सन्ति, मेरे परिवार में 5 लोग हैं। प्रज्ञा ने कहा, परिवारे के सन्ति, परिवार में कौन कौन है। तो दिव्या ने कहा, परिवारे मम माता पिता अनुजह अग्रजह अहम च अस्मि। क्या कहा दिव्या ने, मेरे परिवार में माता पिता, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई और मैं हूं। तो कितने हो गए, 5 सदस्य हैं। प्रज्ञा ने कहा, तव पिता किम करोति, तुम्हारे पिता क्या करते हैं। दिव्या ने कहा, मम पिता सर्वकार कार्यालय लिपिक अस्ति, मेरे पिता सरकारी कार्यालय में क्लर्क है। प्रज्ञा ने कहा, तब माता किम करोति, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, माँ क्या करती है। दिव्या ने कहा, मम माता संस्कृतस्य अध्यापिका अस्ति, मेरी माँ संस्कृत की अध्यापिका है। प्रज्ञा ने कहा, तब अनुजस्य अग्रजस्य च किम अभिधानम अस्ति, तुम्हारे छोटे भाई का और बड़े भाई का क्या नाम है। दिव्या ने कहा, मम अनुजस्य अभिधानम अमितः अस्ति, अग्रजस्य च सुमितः अस्ति, मेरे छोटे भाई का नाम क्या है, अमित है, और बड़े भाई का नाम सुमित है। प्रज्ञा ने कहा, तौ कस्याम कक्षायाम पढ़ते, वो दोनों किस कक्षा में पढ़ते हैं। दिव्या ने बोला, अमितः तृतीयाम कक्षायाम पठति, सुमितः च अष्टभ्याम कक्षायाम पठति। दिव्या ने कहा, अमित तीसरी कक्षा में पढ़ता है और सुमित 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मम गृहम आगच्छ, मेरे घर आओ, तई सह तव परिचयम करिष्यामि, मैं तुम्हारा उनके साथ परिचय कराऊंगी। किसने कहा, दिव्या ने प्रज्ञा से कहा, मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा उनके साथ परिचय कराऊंगी। तो बच्चे, इस प्रकार हमने जाना दिव्या और प्रज्ञा के वार्तालाप के विषय में जाना। अब यहाँ पर पाठ से आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ हैं। पहला शब्द है तव। तव मीन्स तुम्हारे, परिवारे माने परिवार में, कति माने कितने, संति माने हैं, के माने कौन कौन, अनुज माने छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई, करोति करता है, कार्यालय दफ्तर में, लिपिक क्लर्क, अभिधानम नाम, तौ वे दोनों, कस्याम किसमें, अष्टाभ्याम 8वीं, आगच्छ आओ, तई सह उनके साथ, परिचयम परिचय, करिष्यामि कराऊंगी। तो पाठ में आए हुए बच्चों कुछ कठिन शब्द, हार्ड वर्ड्स, जिनके अर्थ के बारे में हमने जाना। अब पाठ का कुछ अभ्यास कार्य है, ये हम करते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर आप बच्चों हिंदी में भी दे सकते हैं और संस्कृत में भी दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, तव परिवारे कति सदस्या सन्ति, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। मम परिवारे पंच सदस्या सन्ति, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्व पिता किम करोति, तव पिता किम करोति, मम पिता सरकारी कार्यालये लिपिकः अस्ति, मेरे पिता सरकारी कार्यालय में क्लर्क है।
ऐसा उसने बताया कि मेरे पिता सरकारी कार्यालय में क्लर्क हैं। तुम कस्मिन विद्या पठसी, हमारे एक्सरसाइज नंबर 2 है बच्चों, पाठ 10, मम परिवार, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान क्या है? दिव्या परिवारे डैश सदस्य संति। दिव्या के परिवार में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य संति। मम माता पिता अनुज अग्रज अहम च अस्मि। मम माता संस्कृतस्य अध्यापिका अस्ति। तौ कस्याम कक्षायाम, वे दोनों किस कक्षा में पढ़ते हैं? तौ तृतीय व अष्टम कक्षायाम, तीसरी में और आठवीं में पढ़ते हैं उसके दोनों भाई। तई सह तब क्या कराऊंगी? तुम्हारा परिचय करिष्यामि, उन दोनों के साथ मैं तुम्हारा परिचय कराऊंगी। जब तुम मेरे घर आओगे तो उन दोनों के साथ मैं तुम्हारा परिचय कराऊंगी। तो इस प्रकार पाठ में आए हुए शब्द और उनके अर्थ, पाठ में आए हुए हमने बच्चों खाली स्थानों को भरा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है पाठ 10, एक्सरसाइज नंबर 3, सम्यक उत्तरम चिन्हांकित करो। सही उत्तर पर सही निशान लगाना है। विकल्प 3 दिए हुए हैं यहाँ पर। दिव्या परिवार सदस्य 5 या 6 या 7, कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। दिव्या के परिवार में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है दिव्या माता डैश अध्यापिका अस्ति, किसकी अध्यापिका थी? वो हिंदी की थी या कि अंग्रेजी की थी या संस्कृत से? संस्कृत की थी, वो संस्कृत की अध्यापिका थी। यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। अमितः दिव्या डैश अभिधानम अस्ति, अमितः अमित दिव्या के अनुज भाई, अनुज का नाम था, अग्रज का नाम था या द्वय दोनों का नाम था? अमित किसका नाम था? दिव्या के। एक्सरसाइज नंबर 4 है, हिंदी में अनुवाद करने हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं जिनका की हमें हिंदी में अनुवाद करना है। त्वं विद्यालय कति छात्रा पठंती, तुम्हारे विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं? कितनी छात्राएं पढ़ती हैं? छात्रा है ना, तो छात्राएं हैं स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट है मम पिता सर्वकार कार्यालय लिपिकः अस्ति, मेरे पिता सर्वकार कार्यालय मतलब सरकारी कार्यालय में या सरकारी दफ्तर में क्लर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मम माता संस्कृतस्य अध्यापिका अस्ति, हमें इनका हिंदी में अनुवाद करना है। मेरी माता संस्कृत की अध्यापिका है। नेक्स्ट है त्वम अग्रजस्य अभिधानम किमस्ति, तुम्हारे बड़े भाई का क्या नाम है। नेक्स्ट है फिर तई सह तव परिचयम करिष्यामि, उनके साथ तुम्हारा, तव मीन्स तुम्हारा परिचय कराऊंगी, तुम्हारा परिचय कराऊंगी, उनके साथ तुम्हारा परिचय कराऊंगी। तो ये कुछ वाक्य दिए हुए थे संस्कृत में जिनका कि हमने हिंदी में अनुवाद किया। नेक्स्ट है अब हमारा एक्सरसाइज नंबर 5 बच्चों, इसमें कुछ वाक्य दिए हुए जिनका कि हमें हिंदी में अनुवाद करना है। परिवार में लोग आपस में प्यार करते हैं, बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं या बच्चे परिवारजनों का सम्मान करते हैं। मेरे दादाजी मुझे प्यार करते हैं। मम पितामह मह्यम
प्रेमम कुर्वन्ति। मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूं। अहम स्व मात्र पितरौ आज्ञया पालनम करोमि। नेक्स्ट है, वे दो किन कक्षाओं में पढ़ते हैं? वे दो यानी कि तौ कस्मिन कक्षायां पठन्ति। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ संस्कृत अनुवाद किए। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं। यहाँ कुछ जो शब्द दिए हुए हैं उनको अलग तरीके से, गलत तरीके से लिखा हुआ है, जिसका कि हमें संशोधन करना है, उनको शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे ये लिखा है कति, तो ये है, यहाँ आएगा कति, कति मान कितने। लिपिक है तो ये होगा लिपिक। कक्षाया लिखा है तो यहाँ क्या होगा, कक्षायाम। नेक्स्ट यहाँ लिखा है सदस्य, तो ये क्या होगा, सदस्य। अध्यापिका, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, अध्यापिका, अध्यापिका। पठती, तो ये होगा पठ, पर छोटी की मात्रा, पठती। तो इस प्रकार हमने ये जो कुछ अशुद्ध शब्द थे इनको हमने शुद्ध किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 7, वाक्य बनाएंगे। वाक्य हमें बहुत छोटे छोटे बनाने हैं, ज्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। जैसे सदस्य, परिवारे कति सदस्या सन्ति, कति सदस्या सन्ति। दूसरा है लिपिका, मम भ्राता लिपिकः अस्ति। अभिधानम्, तव किम अभिधानम्, अभिधानम् नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है। संस्कृतस्य, मम माता संस्कृतस्य अध्यापिका अस्ति, मेरी माताजी संस्कृत की अध्यापिका है। बाल्यकाले, सह बाल्यकाले एव गृहम् अत्यजत्, उसने बचपन में ही घर छोड़ दिया। आप कुछ भी बना सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंस, बचपन में आपने क्या किया, बचपन में आप क्या करते हो, बचपन आपका कैसा बीता, आप बाल्यकाले का कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। तो ये बच्चों हमारा है पाठ 10, रचनात्मक कार्य एक्टिविटी। इसमें अपने परिवार के विषय में कोई भी 5 वाक्य आप अपनी A4 शीट पर या अपनी गृह कार्य की पुस्तिका पर बनाकर, अगर आपके परिवार में सदस्य हैं, सपोज मानिए आपके परिवार में दादाजी, तो दादाजी हैं, दादाजी का चित्र बनाओ, और दादाजी का चित्र बनाकर ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, या जो भी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, ऐसे ही 5 वाक्य लिखकर अपने टीचर को दिखाइए। ये आपका एक्टिविटी वर्क होगा और इसको आप कार्य को अपनी गृह कार्य की पुस्तिका में कर दिखाइएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना मम परिवार है, अपने परिवार के बारे में जाना, कि जैसे उसने अपने परिवार, प्रज्ञा ने और दिव्या ने अपने अपने परिवार के बारे में बताया, आप अपने परिवार के विषय में बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।